बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं अचारी पुलाव, जिसमें मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लूंगी। कुकिंग ऑयल को थोड़ी देर गर्म कर लेंगे हल्की आंच पे। 2 मैंने प्याज ली है, उनको लंबे साइज में काट दिया। अब मैं प्याज शामिल कर लूंगी। अब प्याज को मैं फ्राई कर लूंगी। अब मैंने प्याज ब्राउन कर लिया। अब सफेद जीरा 1 टीस्पून शामिल करूंगी। वन टीस्पून अदरक का पेस्ट, थोड़ी देर अदरक को भून लेंगे। दो मैंने टमाटर लिए, इनको बारीक काट लिया। अब ये टमाटर शामिल कर लेंगे। थोड़ी देर टमाटरों को भून लेंगे। ये मैंने मटर लिए, मेरे फ्रीज हुए पड़े थे, 1/2 किलो की जगह है, ये मैं शामिल कर लूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि आपको मटर का मौसम नहीं है, अब थोड़ी देर टमाटर और मटर को दोनों को भून लूंगी। ये मैंने मूली और गाजर का अपने घर में अचार बनाया था, ये मैं अब शामिल कर दूंगी, क्योंकि हमारे चावलों का बिल्कुल जायका अचार ही हो जाएगा। अब इनको थोड़ी देर भून लेंगे। ये 3 मैंने आलू लिए हैं, इनको लंबे साइज में काट दिया है। अब इनके साथ आलू को भी भून लूंगी। आंच मैंने तेज रखी हुई है। अब इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे। टू टी स्पून मिक्स मसाला। अब इन मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे।
अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। क्योंकि हमारा मसाला भूनते वक्त जले ना, चार मैंने सब्ज मिर्च ली है उनको मैंने पीस लिया, अब ये शामिल कर देंगे। अब सब्ज मिर्च को थोड़ी देर भून लेंगे। एक किलो मैंने बनस्पति चावल लिए हैं और ये मेरा किलो का कटोरा है। अब दो कटोरे पानी के शामिल कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने तेज कर दिया है। ये मैं दूसरा ही शामिल कर लूंगी क्योंकि चावल मैंने पहले भगो के नहीं रखे, तब मैंने पानी पूरे दो कटोरे डाले हैं। भगो के रखती तो डेढ़ कटोरा डालती। अब इसको बॉयल आने देंगे। अब बॉयल आ चुका है, मैंने चावलों को साफ करके पानी से धो लिया है। अब शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने चावलों को मिक्स कर दिया और चूल्हा मैंने फुल कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। अब हमारे चावलों का पानी खुशक हो चुका है, हम मिक्स कर लेंगे। अब पतीले के नीचे हम तवा रख देंगे और आंच ऐसा कर लेंगे। अब ढक्कन के ऊपर एक खुशक कपड़ा लपेट के दम के लिए हम रख देंगे हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए। अब हम दम खोलकर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अचारी पुलाव बहुत ही मजे का बना है, आप भी जरूर बनाना और कमेंट्स में बता देना कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। अब हमारा अचारी पुलाव तैयार हो गया जो कि बहुत ही मजे का बना है, आप भी जरूर ट्राई करना। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।